नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। एमपी उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह को सौंपा चुनाव प्रबंधन का काम। कांग्रेस ने मुकेश नायक को खंडवा उपचुनाव की जिम्मेदारी दी है। राजकुमार पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। तो बड़े नेताओं को अब जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। कांग्रेस ने मुकेश नायक को खंडवा की जिम्मेदारी दी है और राजकुमार पटेल को कांग्रेस ने अपना सह प्रभारी बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह को सौंपा है चुनाव प्रबंधन का काम। कांग्रेस ने मुकेश नायक को जिम्मेदारी दी है कि वो खंडवा लोकसभा सीट पर तैयारियां देखें। खंडवा लोकसभा सीट बड़ी सीट हो जाती है और यहां से कांग्रेस चाहेगी कि कम से कम इस सीट को जीता जाए, क्योंकि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो केवल नकुलनाथ ही चुनाव जीत पाए थे। इसके अलावा कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाया था। ऐसे में दूसरा कोई उम्मीदवार यहां से हो सकता है, ये कोशिश की जा रही है लोकसभा में एक सीट बढ़ाने की कोशिश, और इसीलिए जिम्मेदारी दी गई है अपने बड़े नेताओं को। वहीं भूपेंद्र सिंह को जिम्मेदारी मिली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 8 तारीख तक नामांकन करना है, तो उससे पहले पहले तमाम तैयारियां करनी हैं। और अभी इस पर भी कहीं ना कहीं माथापच्ची होनी है कि कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि नाम लगभग तय हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें उपचुनाव में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगा, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, पार्टी को जीत दिलाएंगे। भूपेंद्र सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और अब राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में भी जुट गई है। इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सबसे पहले तो इसे कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं चुनाव? देखिए, चुनाव तो कोई भी हो निश्चित रूप से चुनौती होती ही है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनौती मान के ही लड़ती है। हम लोग जब से उपचुनाव की परिस्थितियां बनी है तब से पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, इसलिए हमारे यहाँ 12 महीने कार्यक्रम चलते हैं विचार को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, समाज को लेकर, सेवा को लेकर ये कार्यक्रम चलते हैं। तो हमारी चुनावी तैयारी हमेशा रहती है और उस दृष्टि से पार्टी पूरी तरह से चुनाव में तैयार है। जहाँ तक प्रबंधन का सवाल है तो एक 10-12-15 लोगों की टीम होती है प्रबंधन में, उस टीम में मैं भी हूँ, और वो टीम चुनाव का पूरा जो कैलेंडर है, प्रचार साहित्य है, हमारी सरकार की उपलब्धियाँ हैं, नेताओं के दौरे हैं, कार्यक्रम है, आयोग से संबंधित कोई चीज़ें हैं, तो इन सब विषयों पर प्रबंध समिति नज़र रखती है और कोऑर्डिनेट करती है। तो ये प्रबंध समिति काम करेगी और मुझे विश्वास है कि चारों विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजय प्राप्त करेगी। यद्यपि इसमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, अधिकांश समय कांग्रेस के पास रही है, पर हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि चारों सीटों पर हम लोग जीतें। फिर यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जी को भी यही है कि चारों ही सीटें जो हैं बीजेपी जीतेगी। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में जीत किसकी होती है। विडोनिस अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज टेक, भोपाल। उपचुनावों की घोषणा के कारण 7 जिले खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, देवास, निवाड़ी, सतना और अलीराजपुर में आचार संहिता लागू हो गई है।
आचार संहिता लागू हो जाने के कारण इन जिलों में अब चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ही काम होगा। इन जिलों में आचार संहिता लगने के कारण राज्य सरकार के कई अभियान एक महीने तक प्रभावित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सरकार ने अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं, जिसमें से अभी 5 कार्यक्रमों के आयोजन बचे हैं। इन आयोजनों में 7 जिलों के हितग्राही भी शामिल हैं। ऐसे में सरकार ने इन जिलों के हितग्राहियों को इन आयोजनों से हटा रही है, क्योंकि इन आयोजनों को लेकर चुनाव आयोग की अनुमति भी लेनी पड़ सकती है। 30 सितंबर को निमित जिले में उद्योग विभाग का कार्यक्रम होगा। 1 अक्टूबर को पीएम आवास योजना के भवनों का गृह प्रवेश किया जाएगा। 4 अक्टूबर को जल जीवन मिशन के योजनाओं का भूमि पूजन होगा। 6 अक्टूबर को स्वामित्व योजना में भू अधिकार पत्रों का वितरण किया जाएगा। 7 अक्टूबर को कोविड बाल सेवा योजना की राशि वितरण होगा। हमारी पार्टी और हमारी सरकार संविधान में विश्वास रखती है और आचार संहिता का पूरी सख्ती के साथ पालन होगा। शुचिता की राजनीति करने के लिए हम हर समय आगे रहते हैं। चुनाव आयोग के जो जो दिशा निर्देश हैं, जो जो आचार संहिता है, उसका पूरी तरह पालन होगा। 7 जिलों में आचार संहिता लागू होने के कारण कांग्रेस ने अब ये मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को लेकर चल रहे आगामी सारे आयोजन निरस्त होने चाहिए। कांग्रेस इस बारे में चुनाव आयोग को भी ज्ञापन देगी। उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके बावजूद मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के महोत्सव के बहाने कई सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है योजनाओं के नाम पर हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की चेष्टा हो रही। मैं चुनाव आयोग से मांग करती है कांग्रेस पार्टी कि तत्काल इन कार्यक्रमों पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और 7 तारीख तक जो निर्धारित कार्यक्रम है शासन के जो इवेंट्स हैं, इन सारे इवेंट्स पर तत्काल चुनाव आयोग संज्ञान ले और रोक लगाए। आचार संहिता भले ही 7 जिलों में लगी हो, लेकिन इन दिनों वर्चुअल कार्यक्रम के कारण सारे प्रदेश में एक ही स्थान से आयोजन हो जाते हैं। लिहाजा कांग्रेस की मांग पर चुनाव आयोग क्या निर्णय करेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उपचुनाव के कारण एक महीने के लिए सरकारी कामकाज का थमना तय माना जा रहा है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। मंगलवार को उपचुनाव के ऐलान के बाद हुई कैबिनेट बैठक पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए तमाम फैसलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। आप पूरी कैबिनेट ने कल नियमों का उल्लंघन किया है और आचार संहिता का उल्लंघन तो किया है, साथ में नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए सारी कैबिनेट को इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और जब नंद कुमार चौहान जी थे वहाँ तो आपके इतने साल से सांसद हैं, तब आपको तहसील बनाने की याद नहीं आई, जिस तरह से आपने परसों कॉलेज बनाए रेगांव में, जब आपके विधायक थे आप उनके जब जीते जीत कॉलेज नहीं बना पाए, जब वो चले गए तब कॉलेज आप बनाने की घोषणा कर रहे हैं, और ये करने में भी नहीं वाले, प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं करेंगे कि इनको मालूम है ये हारेंगे, इसके बाद कह देंगे हम तो जीते ही नहीं इसलिए नहीं बनाया। टीकमगढ़ के गोर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथ्वीपुर के विकास के लिए और जितने काम मैंने गिनवाए हैं उन्हें पूरा करने के लिए आगामी उपचुनाव में बीजेपी को अधिक से अधिक वोट देकर अपना आशीर्वाद दीजिए। केन और बेतवा नदियां जोड़कर बांध बनाकर किसानों के लिए सिंचाई का पानी दिलवाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मैं गरीब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार के इंतजाम के लिए ही चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं। कमलनाथ जी की सरकार ने हमारी जितनी योजनाएं बंद कर दी थी हमने फिर से शुरू कर दी हैं। मेरी बहनों, शिवराजपुर में कोर करवा के पानी की टंकी बनवा के पाइपलाइन बिछा के घरों में टोटी वाला नल लगा के पानी दिया जाए। अब ये सिर पे कलसा रखना बंद कर रहा हूं, पानी भरने वाले और बेटियों को ज्यादा भरना पड़ता है, और उसके लिए 97 लाख 96,000 रुपए की योजना बनी है शिवराजपुर के लिए। अब जब चुनाव की घोषणा होती है तो आचार संहिता लग जाती है,
और नई घोषणाएं नहीं की जा सकती। लेकिन जब मैं आया तो सीएम राइजिंग स्कूल स्वीकृत करें, नल जल योजना का मैंने बोल दिया, विवाह वाटिका करो, उप स्वास्थ्य केंद्र करो, आंगनबाड़ी की स्वीकृति, पशु और दालें। विश्वास जी, अब आज अभी घोषणा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन शिवराजपुर में शिवराज आए अगर कुछ हो ही नहीं तो मतलब क्या। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी 15 महीने, पता है कि नहीं? अरे कांग्रेस की आई थी पता है कि नहीं? आई तो उन्होंने कोई काम किया क्या? मेरी सब योजना बंद करती दादा का मना। अब देखो, मैं बेटा बेटी की फीस भरवाने की योजना संबल बनाई थी कि किसान हो गरीब हो, और आज फिर कह रहा हूं, भांजे भांजे सुन लेना रे, अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी होगा तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये मामू भरवाएगा, चिंता मत करना, योजना फिर चालू कर। कोई काम में बाधा नहीं आएगी, आप बिल्कुल चिंता मत। आपको निवेदन ये कही है, क्या ज्यादातर एक बार छोड़ के कांग्रेस जीती थी सीट, इस बार जिनने कुछ नहीं किया उनको वोट मत दो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, मामा का साथ दो, कमल पटेल का साथ दो। मैं 2-2.5 साल में पूरी तरह से स्थिति और बदल दूंगा, तो आपका साथ मामा को चाहिए, मिलेगा क्या? कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल पर दिए गए बयान के बाद दिग्विजय सिंह पर लगातार कानूनन कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ लीगल नोटिस दायर किया है। इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि अगर दिग्विजय सिंह 7 दिनों के अंदर दिए गए बयान पर माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई इस लीगल नोटिस के माध्यम से करवाई जाएगी। देखिए, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने सरस्वती शिशु मंदिर के हमारे देश विदेश के तमाम भैया बहनों के प्रति और हमारी संस्था के प्रति जिस प्रकार के घटिया और निम्न स्तरीय शब्दों का प्रयोग किया है, उससे मैं शिशु मंदिर शिवाजी नगर का पूर्व छात्र होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर, संस्थागत तौर पर बहुत आहत अनुभव कर रहा हूँ। और इसीलिए आज मैं प्रतीक्षा कर रहा था 2-4 दिन के दिग्विजय सिंह जी को शायद बुद्धि आए, विवेक आए और वो अपने बयान को शब्दों लेकर क्षमा याचना करें, पर जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आज मैंने उनको आगाह किया है कानूनी नोटिस के माध्यम से, लीगल नोटिस के माध्यम से। उसमें उनसे ये कहा गया है कि 7 दिन के भीतर वो हमारी संस्था से और देश विदेश के हमारे उन तमाम भैया बहनों से जो भारत माँ की सेवा में संलग्न हैं उनसे क्षमा याचना करें, अपने शब्दों को वापस लें, और नहीं तो उनके विरुद्ध दीवानी और अपराधी दोनों प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँगा और दिग्विजय सिंह जी को कानूनी कार्रवाई के परिणाम। केंद्र की मोदी सरकार की आजादी के अमृत महोत्सव के जवाब में कांग्रेस हीरक महोत्सव मनाने जा रही है। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि हीरक महोत्सव 2 अक्टूबर 2021 से 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। कार्यक्रम के तहत कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बताएगी। आजादी के 75वीं वर्षगांठ और गांधी जयंती पर कांग्रेस ने 75 कार्यक्रम तैयार किए हैं। ये आयोजन प्रदेश भर में होंगे, जिसमें कांग्रेस महिला, कांग्रेस युवा, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सहित सभी मोर्चा प्रकोष्ठ भी शामिल होंगे। 2 अक्टूबर से कांग्रेस आजादी के हीरक जयंती वर्षगांठ मनाने जा रही है और इस 75वें वर्षगांठ के ऊपर सर कांग्रेस के द्वारा 75 कार्यक्रम तय निर्धारित किए गए हैं, जो गांव तक, युवाओं तक, आम जनमानस तक जाके बताया जाएगा कांग्रेस की उपलब्धि की, किस प्रकार हमने आजादी लाई और किस तरह पिछले 70 वर्षों से हमने लोकतंत्रों की रक्षा की। और रायसेन से बड़ी खबर आपको बता दी, पेशी के लिए आए व्यापारी का मिला शव, बरेली की होटल गैलेक्सी में हुई मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच, पुलिस ने होटल को सील कर दिया है, ड्राइवर के साथ होटल में ठहरा था व्यापारी, ड्राइवर थाने से फरार हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं रायसेन से, फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ड्राइवर के साथ होटल में व्यापारी ठहरा हुआ था और ड्राइवर थाने से ही फरार हुआ है। पेशी के लिए आए व्यापारी का शव मिला है, बरेली की होटल गैलेक्सी में मौत हुई है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
कवर्धा में छात्रों ने एसडीएम ऑफिस का घेराव किया। हायर सेकेंडरी बोडला स्कूल के छात्रों ने एसडीएम ऑफिस का घेराव कर अपना विरोध दर्ज करवाया। अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों ने रैली निकाली और एसडीएम ऑफिस पहुंचे। जानकारी के मुताबिक हिंदी मीडियम के भवन में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो रही है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। साथ ही छात्र इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से भवन बनाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इससे 1300 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मामला कोर्ट में पहुंचने के बावजूद गुज्जर और क्षत्रिय समाज आमने सामने हैं। मामले में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दिल्ली की संयुक्त मोर्चा शाखा ग्वालियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संयुक्त मोर्चा ने पट्टिका से गुज्जर शब्द हटाने की मांग की। क्षत्रिय समाज के नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय प्रतिहार राजवंश की शाखा है, केवल सम्राट मिहिर भोज लिखा जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ग्वालियर में जो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्वीकृत हुई, स्थापित हुई, इसकी स्थापना के लिए मैं प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन नगर निगम प्रशासन ने जो गुर्जर शब्द का उसमें उल्लेख कराया है, किसी जाति विशेष का कोई भी सम्राट नहीं रहता है। गुर्जर शब्द हटाने की हमारी क्षत्रिय समाज की मांग है। अगर सम्राट मिहिर भोज उसमें लिख दिया जाता है तो हमें किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करना। वायरल और डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से ग्वालियर के दो बड़े अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। अंचल के सबसे बड़े कमला राजा अस्पताल में बच्चों के आईसीयू के एक पलंग पर 3 से 4 बच्चे इलाज कराने को मजबूर हैं। आईसीयू के अंदर के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल का ये एक वार्ड है जहां बच्चे भर्ती हैं, और मैं देख रहा हूं कि कुछ पलंग तो ऐसे हैं जहां एक एक बच्चा भर्ती है और कुछ पलंग ऐसे हैं जहां 2 से 3 बच्चे हैं। PINCU की हालत और भी ज़्यादा इस समय कंजेस्टेड हो रही है, जहां एक पलंग पर 4-4 बच्चे भर्ती हैं। तो ये जो तस्वीर है यहाँ इसके जयारोग्य अस्पताल के कैंपस के कमला राजा अस्पताल की, यहाँ वाकई में बड़ी संख्या में बच्चे बीमार आकर भर्ती हुए हैं। और अस्पताल प्रशासन ने हालांकि अलग वार्ड बनाने के लिए साफ़ सफाई शुरू कर दी है, 2 नए वार्ड बनाए जा रहे हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा और इंतजाम और संसाधन जुटाने की ज़रूरत है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर है। धरने पर बैठे विधायक का मामला, पुलिस ने विधायक को धरने से उठा दिया है। समर्थकों को भी पुलिस ने उठाया है। गंज थाने लाया गया है सभी को। थाने के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। जीएच कॉलेज में धरने पर बैठे थे विधायक, और इनका ये कहना था कि जब कल छात्रावासों का उद्घाटन हुआ तो जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से विधायक को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन बुलाया नहीं गया। इस वजह से वहाँ पर छात्रों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और फिलहाल विधायक को जबरन वहां से उठाया गया है। पुलिस ने विधायक को धरने पर से उठाया है। समर्थकों को भी पुलिस थाने लेकर आई है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जीएच कॉलेज में धरने पर बैठे थे विधायक। धरने पर बैठे विधायक को फिलहाल थाने ले जाया गया है। आमंत्रण पत्र में विधायक का नाम नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी नाराज हैं। मंगलवार को भवनों का वर्चुअल लोकार्पण हुआ था, और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पुलिस ने विधायक को धरने से उठाया है। समर्थकों को भी पुलिस ने उठाया है वहां से, और थाने के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा इसके बाद देखने को मिला है। हालांकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी और पक्ष की सरकार चल रही हो तो दिक्कतें आती हैं। राजेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, अभी क्या स्थिति बनी है वहां पर? देखिए, ये धरना जो है लगातार चल रहा था। इस दौरान शिक्षा मंत्री के पुतला जलाने की कोशिश की गई, जो पुलिस ने छीन लिया, और इसके बाद पुलिस ने कॉलेज पे गेट पे जो ताला लगा था, पुलिस ने गेट के ताले तोड़े और सख्ती से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठाया और वज्र वाहन में लेके गंज पुलिस थाने आए। और कार्यकर्ताओं के समर्थन में जो कांग्रेस के विधायक है निलय डागा और एक भैंसदेही के विधायक जो है कांग्रेस के धर्मू सिंह, वो भी थाने तक पहुंचे। और यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंज थाने में थोड़ा हंगामा भी किया और बोले हमारी गिरफ्तारी करिए, हमारी गिरफ्तारी करिए। लेकिन पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है,
और बाकी सभी लोगों को छोड़ दिया गया है, 5 लोगों को भी छोड़ दिया गया है। और ये दोनों विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ थाने से वापस चले गए हैं। हालांकि अभी वो जेएच कॉलेज फिर से जाने की बात सामने आई है और वहां से ये धरना खत्म हो जाएगा। शुक्रिया आपका राजेश जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की बैठक हुई। साल 2019 में बनी समिति की ये पहली बैठक थी जिसमें 20 सामाजिक संगठनों के लोग और आबकारी विभाग के सचिव और अपर सचिव भी शामिल हुए। ज्यादातर सामाजिक संगठनों ने शराबबंदी का समर्थन किया, बावजूद इसके पूर्ण शराबबंदी को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। छिंदवाड़ा में पुलिस ने नितिन शुक्ला के घर पर छापेमारी कर करीब 10 से 11 पेटी देसी और विदेशी शराब बरामद की। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अवैध शराब की कीमत करीब 1,03,000 बताई जा रही है। इससे पहले भी पुलिस ने आरोपी को शराब की पेटी के साथ पकड़ा था। और रायपुर में राकेश टिकैत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। किन कानूनों से नुकसान कितना होगा? एमएसपी की गारंटी जब तक भारत सरकार नहीं देगी तो पूरे देश के किसानों को लाभ नहीं होगा। वो आधे रेट में अपनी फसल को बेचता है। वेजिटेबल्स पे तरकारी है उस पर भी एमएसपी चाहिए। दूध के किसान को भी एमएसपी चाहिए, वो भी सस्ते में अपना दूध बेचता है। नौजवानों को रोजगार भी चाहिए। देश में विकास पूर्ण रूप से 7 साल से रुका हुआ है, ये देश का नौजवान भी बूझता है। जिस तरह से ताना शाह की तरह देश की जनता के साथ में व्यवहार हो रहा है, किसान पिछले 10 महीने से वहाँ पर बैठा हुआ है, उसने सर्दी गर्मी बरसात झेली है, आज वो पूर्ण रूप से पक चुका है। सरकारों के गलत एलिगेशन से उसको तरह तरह के नाम से पुकारा गया, उसको वहाँ पे इंसल्ट करी गई। ये किसान जब तक 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल जो हाउस में आने वाला है, फाइल रखी हुई है, पोल्यूशन और भी बहुत से कानून ये लेकर आना चाहती है। और छोटे से ब्रेक के यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।